अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिव्यू इट। आई एम रिमिशा। सो बेसिकली प्यार मुख्तलिफ किस्म का होता है, जैसे अपने माँ बाप से प्यार, बहन भाइयों से प्यार, दोस्तों से प्यार, ऐसे ही आज मैं आपको कुछ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ की दोस्ती से मोहब्बत और मोहब्बत से शादी की कहानी बताऊँगी। आमना शेख एंड मोहिब मिर्ज़ा, इनका मिलना बहुत ही साल पहले हुआ था। जैसे कहते हैं कि जब दो लोगों का मिलना लिखा हो तो कुछ भी हो जाए, बस उनको मिलना ही होता है। आमना मोहिब को अपने स्कूल डे से जानती थी, बट ऑफिशियली ये लोग बच्चे मन के सच्चे के सेट्स पर मिले थे, जहां पर मोहिब होस्ट थे और ये उस शो को डायरेक्ट कर रहे थे। दोनों साथ में काम करते रहे, बॉन्ड अच्छी होती गई, बट जब शो कुछ देर के लिए रुक गया तो मोहिब को रियलाइज हुआ शायद वो आमना को मिस करने लगे, और इसी तरह उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाया और आमना को मैसेज किया कि वापस आ जाओ। सो इन दैट मैसेज देयर वाज सो मेनी फीलिंग्स ऑफ मोहिब, और बाद में आमना ने रिप्लाई दिया एक स्माइली के साथ, और ऐसे ही उनकी कहानी शुरू हुई। 2005 में उन्होंने शादी भी कर ली एंड नाउ दे आर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल डॉटर। बिलाल कुरैशी एंड उलूसा कुरैशी, ये दोनों मिले थे ड्रामा पिया का घर प्यारा लगे के सेट्स पे इन 2012, जिसमें उलूसा बिलाल की बहन का रोल प्ले करी थी। बिलाल का यही कहना है कि वो हमेशा सेट्स पे यही बोलते थे कि वो लड़की कहाँ है जो मेरी बहन बनी हुई है, क्योंकि उनको अपनी हीरोइन से ज़्यादा उलूसा पसंद थी। और उलूसा का ये कहना है कि वो हमेशा बिलाल को तंग करती थी भाई बोल के, और वो गुस्सा भी हो जाते थे। इन दोनों की स्टोरी में कोई टिपिकल प्रपोजल नहीं था, ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स बने, दे स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर एंड दे गॉट मैरिड एंड नाउ दे आर ब्लेस्ड विद चाइल्ड। अली सफीना एंड हीरा तरीन, अली सफीना ने हीरा की पिक्चर देखी थी और वो जानते नहीं थे कि हीरा, उनको हीरा पे क्रश हो गया। बट कुछ 7-8 महीने बाद अली के एक दोस्त के घर, जब अली अपने दोस्त के घर गया, वहाँ पे हीरा भी मौजूद थी और इन लोगों की काफ़ी अच्छी दोस्ती भी होगी। बहुत अच्छे दोस्त से ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स भी बने, और फिर इनको 3 महीने लगे ये रियलाइज़ करने में कि इनके बीच में जो स्पार्क है वो क्या है। एक दूसरे को 1.5 साल तक डेट किया और एंगेजमेंट की, इवेंचुअली शादी भी कर ली। फहद मिर्ज़ा एंड सरवत गिलानी, वैसे इनकी कहानी थोड़ी सी फिल्मी है बट बहुत क्यूट भी है। ये लोग 2002 में मिले थे, जब ये लोग 2.5 से 3 साल के रिलेशनशिप में थे, पर दे पार्टेड वेज क्योंकि ये लोग अपनी स्टडीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते थे। फिर 7 साल बाद इन दोनों का मिलना दोबारा हुआ, ये लोग फिर से रिकनेक्ट हुए। फहद ने सरवत को कॉफ़ी पे बुलाया, वहाँ पे इन्होंने बातें की और सब कुछ दोबारा से रिन्यू होता चला गया। सरवत की ब्रोकन मैरिज के बारे में जानते हुए भी फहद ने एक स्टेप आगे लिया, उसने सरवत को बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली प्रपोज किया, ही वेंट ऑन हिज नीज और उन्होंने शादी कर ली एंड नाउ दे आर ब्लेस्ड विद अ सन टू। सारा यूसुफ एंड शेरोज यूसुफ, ये दोनों एक कॉमन फ्रेंड की वेडिंग पे मिले थे, जिस पे दोनों टीनेजर्स ही थे। सारा 18 की थी एंड शेरोज 19 के थे। इन लोगों ने डेट करना स्टार्ट किया 2006 में। इन बहुत से सालों में बहुत से ऐसे टाइम आए जब दोनों का रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था, काफ़ी बार यू नो बहुत से अप्स एंड डाउन्स थे, इट वॉज एक्चुअली फॉलिंग अ पार्ट। बट शेरोज ने भी काफ़ी कोशिश की मूव ऑन करने की। सायरा का यही कहना था कि कुछ भी हो जाता मुझे पता था कि शेरोज मेरे पास ही वापस आएगा, एंड उसके बाद फिर जब सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था, देन आ गए तन्हाया नई सिलसिले ड्रामा। उसने बहुत ही रोल प्ले किया इनकी लव स्टोरी को कम्प्लीट करने के लिए, क्योंकि उस ड्रामे के बाद शेरोज का ये कहना था ही एक्चुअली फेल इन लव विद सायरा ऑल ओवर अगेन एंड इन्होंने 2012 में शादी कर ली। दे आर नाउ ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड। फातिमा एफंदी एंड कवर अरसलान, अ कपल हु इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ इच अदर, और इनका ट्रैवलिंग के लिए जो शौक है वो हमें सोशल मीडिया पर दिखता ही रहता है। सो ये लोग मिले थे अपने फर्स्ट ड्रामा के सेट्स पे, जिसमें इनको रियलाइज हुआ कि इनमें बहुत कुछ कॉमन है। दे बिकेम फ्रेंड्स, बट काफ़ी देर के लिए ये लोग आउट ऑफ टच भी थे, बट ग्रेजुअली ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स भी बन गए। और फातिमा चाहती थी कि कवर अपनी फीलिंग्स, असली फीलिंग्स बताए कि वो उसके लिए क्या फील करता है, बट कवर इज़ लाइक कमिटमेंट फोबिक और वो ये शादी नहीं करना चाहते, इसीलिए वो फातिमा से दूर हो गए, क्योंकि उसको हर्ट नहीं करना चाहते और शादी भी नहीं करना चाहते थे एट द सेम टाइम। बट कुछ 1-1.5 महीना उससे दूर रहने के बाद कवर को रियलाइज हुआ दैट शी इज़ द वन ही एक्चुअली वांट्स टू स्पेंड हिज लाइफ विद, और उन्होंने शादी के लिए डिसीजन लिया। और इंगेजमेंट में सीधा जाने के बजाय उन्होंने सोचा कि सीधा निकाह ही क्यों ना कर ले, और उन्होंने निकाह किया और बाद में नुकसती की एंड नाउ दे आर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल सन टू। आयशा खान एंड दानिश तमोर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट लव्ड कपल ऑफ पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री। इनका रिलेशनशिप बहुत ही साल पहले स्टार्ट हुआ था, जब आयशा सिर्फ फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी और दानिश ने शुरू में उनको कह दिया था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे टाइम है जब इनका रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो गया। इनका भी यही कहना था कि अल्लाह ने इनको मिलाया, अल्लाह इनको करीब लाता गया, क्योंकि बहुत से ऐसे टाइम थे जब इन्होंने सोचा कि हमें अपने रास्ते बदल देने चाहिए, पर रास्ते फिर से आपस में मिल ही गए। जब सब कुछ खराब हो ही रहा था इनको, तब एक ड्रामा मिल गया और उस ड्रामे के साथ शूटिंग करते हुए ये लोग फिर से करीब आ गए और इन्होंने शादी का डिसीजन लिया। शादी जो कि 2014 में हुई थी, विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वेडिंग्स ऑफ दैट ईयर। आई वुड से कि सब लोग इनके मिलने का इंतजार कर रहे थे एंड उस शादी के बाद नाउ दे आर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल डॉटर टू।
जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी इस वीडियो में मेंशन की वो सब इन एक्टर्स ने ही रिवील की थी, मोस्टली टॉक शोज पर. सो बेसिकली आई वुड एक्चुअली लाइक टू शेयर द स्टोरी ऑफ फवाद खान एंड सदा खान विद यू गाइस. मैं जानती हूँ कि दोनों सेलिब्रिटी कपल नहीं है, क्योंकि सिर्फ फवाद खान ही सेलिब्रिटी है, उनकी वाइफ एक नॉर्मल नॉट काइंड ऑफ हाउस वाइफ बट एक नॉर्मल लड़की है. बट देयर लव स्टोरी इज समथिंग दैट आई पर्सनली वॉन्टेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. और वो ये थी कि वो एक दूसरे को ऑलमोस्ट लाइक 18-19 ईयर्स से जानते हैं, जब ये लोग स्कूल और कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते हैं. क्योंकि फवाद का ये कहना है कि उस वक्त कुएट इतनी कॉमन नहीं थी, इसीलिए वो सदफ को देखने के लिए ट्यूशन सेंटर जाते थे, जहाँ पे सदफ भी पढ़ती थी और वो भी पढ़ते थे. ऐसे ये लोग 8 साल के लिए कोर्टशिप में थे, उसके बाद शादी की एंड माशाल्लाह से अभी इनके 2 बच्चे हैं एंड ऑलमोस्ट शादी को भी 11 साल हो चुके हैं. एंड देयर लव स्टोरी इज लाइक रिलेशनशिप गोज टू. सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. आपके पास कुछ भी है शेयर करने के लिए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें. खुदा हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड.